नमस्कार दोस्तों, उत्तम इंग्लिश स्पोन पर शोध करते हैं फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों हम डे टू डे लाइफ में इस तरह का फ्लो होम का यूज खूब करते हैं, जैसे कि दोस्तों LLM, BSc, MCOM, BTEC, BEd इस तरह का वर्ड दोस्तों हम खूब यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों इस तरह का वर्ड का फुल फॉर्म भी होता है। MCOM का फुल फॉर्म क्या होता है, BTEC का फुल फॉर्म क्या होता है, BEd का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इस तरह के वर्ड का फुल फॉर्म भी जानना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों डे टू डे लाइफ में तो कोई ना कोई पूछते हैं आपको, चलो आप बीएड कर रहे हो तो बीएड का फुल फॉर्म बताओ, बीए कर रहे हो तो बीए का फुल फॉर्म बताओ, बीटेक कर रहे हो तो बीटेक का फुल फॉर्म बताओ। तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप पूरे 13 वर्ड के फुल फॉर्म को जानने वाले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपका समय का ज्यादा नहीं, चलते हैं बोर्ड में और एक एक फुल फॉर्म को देखते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बीकॉम। इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं वाणिज्य स्नातक। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं MEd, मास्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के गुरु। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं MEd, मास्टर ऑफ एजुकेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षा के गुरु, मास्टर ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट BEd का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। MPhil, इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ साइकोलॉजी, हिंदी में बोलते हैं दर्शन शास्त्र के निशांत। नेक्स्ट तो बहुत सारे स्टूडेंट इंटर के बाद बीए करते हैं और बीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, हिंदी में बोलते हैं कला स्नातक, कला स्नातक। नेक्स्ट दोस्तों बहुत कोई इंटर के बाद बीए करते हैं या तो बीएससी करते हैं, बीए का फुल फॉर्म अभी बताया और बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस, हिंदी में बोलते हैं विज्ञान की स्नातक। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों एक वर्ड आप सुने होंगे बीटेक, बीटेक का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों आप एक वर्ड सुने होंगे बीटेक, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर, हिंदी में बोलते हैं स्नातक या प्रौद्योगिकी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं MTech, इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। एक वर्ड सुने होंगे MCOM, इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स, तो हिंदी में बोलते हैं वाणिज्य के मास्टर। नेक्स्ट ME, इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, हिंदी में बोलते हैं इंजीनियरिंग परा स्नातक। नेक्स्ट LLM, मास्टर ऑफ लॉज, कानून के मास्टर। LLM का फुल फॉर्म जानते थे, अगर नहीं जानते थे तो कमेंट में लिख के जरूर बताइए, और जानते थे फिर भी लिख के बताइए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं MSc, इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ साइंस, विज्ञान के मास्टर, मास्टर ऑफ साइंस। नेक्स्ट ज्यादातर बच्चे BA के बाद MA करते हैं या MSc करते हैं, तो MA का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और घंटी का बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिसमें हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।